गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एज यू कैन सी, अभी सेटिंग पूरी डिफरेंट है यहाँ पे। आई एम एक्चुअली सिटिंग इन माय हॉल। मुझे रेडी होना था एक वीडियो के लिए, और उसके लिए ना मैं जो मेरा क्विक गो टू वाला मेकअप होता है ना, वो करने वाली थी। सो आई थॉट दैट आई विल स्विच ऑन माय कैमरा एंड आई विल फिल्म इट इन डे लाइट। ये बहुत क्विक मेकअप है, तो वीडियो भी काफी क्विक होने वाला है। नाउ लेट्स बिगिन। आई एम ऑल्सो डूइंग दिस मेकअप लुक इन डे लाइट, सो दैट जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी ना, यू गेट एन आइडिया कि नेचुरल लाइट में प्रॉपर कैसे दिखते हैं वो। सबसे पहले फॉर प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर। फॉर माई क्विक मेकअप मैं कभी भी फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ, आई ओनली यूज अ कंसीलर। सो आई एम गोइंग टू यूज नार्स का कंसीलर इन द शेड मीडियम टू जिंजर। जो जो एरियाज मुझे लगते हैं ना थोड़े से डार्क हैं, वहां पे I apply the concealer. This concealer is also a very lightweight concealer. It is not one of those heavy concealers. I like using it जब मुझे बहुत ज़्यादा full coverage वाले type का look नहीं चाहिए होता है। ये coverage देता है अच्छा, लेकिन एक वो solid matte वाला full coverage होता है ना, वैसा नहीं होता, थोड़ा natural सा coverage देता है। I don't take extra product, लेकिन जिस ब्रश से मैं ब्लेंड करती हूँ ना अपना कंसीलर, आई रन इट ऑन माई आईलिड ऐसे ही, ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। ये स्नैक का ही मेकअप ब्रश है जो मैं यूज कर रही हूँ, एंड आई नो कि हमारे मेकअप ब्रशेस काफी लंबे टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, बट फाइनली वी हैव अ डेट। होपफुली नेक्स्ट मंथ मिड या एंड तक हम लोग लॉन्च कर देंगे ब्रशेस। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू यूज फॉरेस्ट एसेंशियल्स का नूर निखार चीक टिंट इन द शेड गेरुआ। फॉर सम टाइम नाउ आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ क्रीमी ब्लशेस, पाउडर ब्लशेस बहुत कम यूज कर रही हूँ मैं। आई थिंक आई जस्ट लाइक द फैक्ट दैट बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं और काफी सीमलेस भी लगते हैं स्किन पे। पाउडर ब्लशेस भी लगते हैं, बट आई हैव बीन लाइकिंग दीज मोर। इसका जो पिगमेंटेशन है ना इस ब्लश का, बहुत अच्छा है। इट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल पीची कलर, इंडियन स्किन टोन्स के लिए अच्छा है ये। ज्यादा ब्लश नहीं लगाया मैंने, बहुत थोड़ा सा हिंट दिया है कलर का। जो कंसीलर और ब्लश है अब उसको सेट करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज निक्स कांट स्टॉप वोंट स्टॉप मैटिफाइंग पाउडर। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, आई हिट द पैन ऑन दिस पाउडर, आई रियली लाइक इट। इसको मैं ब्रश से पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा ना इवन आउट भी हो जाएगी स्किन। दिस वन एक्चुअली गिव्स अ वेरी नाइस स्मूथ फिनिश, यू नो। बेस इज सेट, अब आते हैं ब्राउज पे। ब्राउज का तो यार कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जो भी ब्राउ पेंसिल होती है मेरे हाथ में जो आ जाए वो मैं यूज कर लेती हूँ। दिस इज बेनिफिट्स प्रिसाइसली माई ब्राउ पेंसिल, एंड इफ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग माई ट्यूटोरियल्स यू नो हाउ आई फिल माई ब्राउज। मैं ब्रश कर लेती हूँ सबसे पहले ब्राउज को नीचे की तरफ, उसके बाद ऊपर जो नेचुरल लाइन होती है ना, ब्राउ लाइन, वहां पे मैं एक बहुत हल्की सी लाइन क्रिएट करती हूँ और फिर वापस ब्रश करके उसको फिल कर देती हूँ। दैट्स इट। By the way, आप लोग ना मुझे कॉमेंट्स में बताना that how do you guys do your go-to everyday kind of makeup? I know बहुत सारे लोग बहुत कम products use करते हैं, ये भी शायद बहुत होगा काफी लोगों के लिए, but still let me know। Brows मेरी fill हो चुकी हैं। This is something which I have been doing for a while now। मैं ना एक brow gel use करती हूँ brow को fill करने के बाद। I'm using Benefit का fluff up brow wax। This is a very good brow gel guys, एकदम अपनी place पे रहती है brows, and this is not exactly sweat proof, लेकिन फिर भी काफी अच्छा खासा last करता है। When it comes to my eyelids ना, मैं maximum number of times मेरा जो hula bronzer है ना उसी को eye shadow के जैसा लगा लेती हूँ। But just to give you an idea, मैं एक eye shadow palette लेकर आई आज यहाँ पे। ये वाले टाइप का जो कूल टोन ब्राउन शेड होता है ना, 90% ऑफ द टाइम्स मैं यही वाला शेड लगाती हूँ। दिस इज अ लॉट लाइक दैट हूला ब्रॉन्जर वाला शेड। आई जस्ट टेक माई आई शेडो ब्रश, उसको बस रन कर देती हूँ अपनी आईलिड के ऊपर। सेम शेड ना आई ऑल्सो अप्लाई ऑन माई लोअर लैश लाइन, ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन एड हो जाए वहां पे। Now moving on to mascara, and I will use Smashbox का super fan mascara. Although this is such an old product, कब से
RIA वाला. Recently I have started using it again and this is such a good mascara guys. बहुत natural lift देता है lashes को. If you want you can of course add an eyeliner. इस look पे तो कुछ भी और लगा सकते हैं. Eyeliner लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं. But I'm skipping all that. I'm gonna just stick to mascara. Mascara is done और अभी ये जो लगा ना मस्कारा, आई जस्ट टेल यू, जब भी ऐसे कभी लग जाए ना आपके नाक पे या आंख के ऊपर मस्कारा, वेट फॉर इट टू ड्राई अप एंड देन स्पूली लेके बहुत ही लाइटली ना ब्रश करना, तो वो ना झड़ जाएगा जहां पे भी लगा हुआ है वहां से. अभी निकल गया है ये. अगर आपको लग रहा है कि आपका बेस हट गया है, देन जस्ट टेक सम कॉम्पैक्ट ऑन अ पाउडर पफ, यू नो, जस्ट रन इट ऑन योर स्किन बेसिकली. फॉर लिप्स गाइज, आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट. ये हुडा ब्यूटी का लिप टिंट है. आई रिसेंटली बॉट इट. मैंने दो शेड्स खरीदे थे इसके. आई एम यूजिंग द शेड रोजी किस. आई रियली लाइक दिस लिप टिंट. बहुत लंबे टाइम तक इसका टिंट रहता है लिप्स पे. It's a very natural pink color. Last but not the least, I'm going to use a setting spray. This is Charlotte Tilbury's Airbrush Flawless Setting Spray. So guys, my makeup is done. This is my go-to makeup. बहुत quickly हो जाता है and these are some of the products which work very well for me. There is a very nice sunlight coming in my hall right now. तो मैंने सोचा कि मैं धूप में ही आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है ये makeup. It obviously looks very natural and very neat. I have a lot of products, तो मैं mix भी करती रहती हूँ products. But ये वाले जो products मैंने आज use करे ना, इनको मैं अभी कुछ time से काफी ज़्यादा use कर रही हूँ. Anyway, this was a very casual makeup tutorial. I am not even sure कि मैंने इस type का makeup tutorial पहले किया है या नहीं. But let me know in the comment section below if you like this casual style of filming makeup tutorials. And hope you guys are having a great day. I'll see you soon again. Take care of yourself and stay safe. Bye. Mwah.